हेलो बच्चों, आज क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि हम पढ़ा रहे थे उसमें हमने रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, इरेशनल अपरिमेय संख्याएं और नंबर सिस्टम के बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं ये वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन बताने जा रहे हैं। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ बातें ज़रा समझ लें आप। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 7/8 या 10/3, 7/8 मैं कहूं, इसको डिवाइड करो, इसको भाग करिए, ये तो वो छोटे क्लास में आपने पढ़ा है। आप 8 को डिवाइड 8 से कर देंगे 7 को, जानते हैं 7 नहीं जाएगा तो 0 आएगा, फिर पॉइंट आएगा या 0 आएगा, फिर क्या आएगा, 8 का पहाड़ा तो आता होगा, क्या होगा, 8 × 5 = 48, 64 आएगा, यहाँ 6 बचेगा, फिर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ये तो आएगा ना। फिर क्या करेंगे, 8 × 5 = 48, 8 × 7 = 56 आएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 0 आएगा, 8 × 5 = 40 आएगा, ये कट जाएगा, यानी शेषफल रिमाइंडर 0 आ गया। एक तो इस प्रकार का डिवाइड होता है जिसमें कि पूरा का पूरा पॉइंट हट जाता है, मतलब पूरा रिमाइंडर 0 हो जाता है, शेषफल 0 हो जाता है और डिवाइड खत्म हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि भाई 1/2 को डिवाइड करो, 1/2 को डिवाइड करो, तो आप कहेंगे 0.5 आएगा। तो ऐसे डेसिमल, ऐसे दशमलव जो कुछ पॉइंट के बाद में पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं, अब जरा इनके नाम याद कर लीजिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी वाले हिंदी में सुनेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल माने खत्म हो जाना, एक पॉइंट के बाद में खत्म हो जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब जैसे 1/2 हम करें तो 0.5 आ जाएगा, 7/8 करें या 5/10 करें तो 0, ये तो वही चीज होगी जाकर के, 7/8 करें तो अभी क्या आया था, 0 70 आएगा, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64 कितना बचा, 6 = 60, 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40। तो जहां पर पूरा का पूरा कट जाए नंबर पॉइंट आने के बाद में, यानी कि उसका जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो 0 हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। इस वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में भी वर्ड ऐसा है जो जनरली समझ में नहीं आता है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये जो रिकरिंग वर्ड है ना, रिकरिंग वर्ड को रिपीटिंग भी कहते हैं। डेसिमल इसको कहते हैं अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी, अनवसानी। पहले ये वर्ड समझ लीजिएगा, अनवसानी का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो, और आवर्ती जिसका बार बार, आवर्ती दशमलव जिसका बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे हमने कहा 1/3 करो, इसको भाग करो, अगर आप एक को 3 से भाग करोगे तो 0.03391039103391039, ये बार बार बढ़ता चला जाएगा, कभी खत्म तो होगा नहीं, तो ये अनवसानी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा है, और रिकरिंग है, आवर्ती है, बार बार उसको रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये दूसरा हो गया। तीसरा आगे बढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और यहां आएगा नॉन रिकरिंग, अनवसानी अनआवर्ती, यहां पर वर्ड जो आ जाएगा अगला
वो अन आवर्ती आएगा, अनवसानी अन आवर्ती दशमलव, अन आवर्ती दशमलव, अन आवर्ती मतलब जैसे मैं कहूं कि 0.10011001005200 3 कभी समाप्त नहीं हो रहा है, ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं आपको अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती दशमलव। ठीक है, तो तीन नाम आ गए, शांत टर्मिनेटिंग, अनवसानी आवर्ती, इसके पहले बताया हमने, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और अनवसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो तीन प्रकार के दशमलव हैं। अब इस एक्सरसाइज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1.3, इसके दो वीडियो हम बनाएंगे, चार चार क्वेश्चन बताएंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक्सरसाइज 1.3 देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, किताब को सामने रख लीजिएगा, क्वेश्चन सामने होने चाहिए। एनसीईआरटी को डिस्कस हम कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले अपने हिंदी वाले क्वेश्चन को देखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश क्वेश्चन को देखेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरसाइज है 1.3, फर्स्ट लेक्चर इसका है। देखिए कुछ डेसिमल लिखे हुए हैं, कुछ नंबर लिखे गए हैं, उनको दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है ये किस प्रकार का डेसिमल है, प्रत्येक का दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। देखो पहला पार्ट है 36/100, अब भाग करना आपको आना चाहिए भाई, 100 से भाग करोगे 36 को, 36 छोटी संख्या है जाएगा नहीं, 0 करोगे लिखाओगे, दशमलव करोगे 0 आएगा, तीन बार जाएगा तो 300 आएगा, यहां 60 बचेगा, फिर 0, 6 बार जाएगा और ये पूरा कट के शेषफल 0 आ गया, यानी ये 0.36 हो गया। कैसा पॉइंट है भाई, आप कहेंगे खत्म हो गया, ये टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव है, शांत हो गया, शांत का मतलब वो वाला शांत नहीं है, ये शा वाला शांत दशमलव, ये कैसा डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। ठीक है, आप हिंदी वाले इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, केवल अपना हिंदी वर्ड पकड़िएगा इसको। इसके बाद सेकेंड पार्ट है, भाग ये फेयर है, भाग करना पड़ेगा आपको। सेकेंड पार्ट है 1/11, पहले भाग कर देते हैं। देखो 11 से आप भाग करेंगे 1 को, जाएगा नहीं, 0.0 खिला दिया, अभी भी नहीं जाएगा, तो 0 खिलाया, फिर 1 0 आ गया, 11 नियम 99, फिर 1 आएगा, फिर 0 खिलाया, नहीं जाएगा, 1 0 यहाँ, फिर यहाँ 0, 11 नियम 99, फिर 1 आएगा। आप क्या देख रहे हैं कि 0.09 लगातार कभी समाप्त नहीं हो रहा है, तो एक तो अनावसानी है, यानी एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग है यानी अनवसानी है, और दूसरी बात 0909 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं, रिकरिंग भी कह सकते हैं। रिपीटिंग वर्ड थोड़ा इजी रहेगा, रिपीटिंग डेसिमल, ये बार बार नाम नहीं लिखे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये अनवसानी का मतलब जो कभी समाप्त ना हो, और आवर्ती का मतलब होता है बार बार आवर्ती इसकी होती रहे, बार बार वो नंबर आता रहे। ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखिए क्या होता है, अब मैं भाग नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा, कर देता हूं, अच्छा कहीं कहीं लगता है कर दे तो भाग भाग कर नहीं पाओगे, दिक्कत होगी आपको। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 4 होल नंबर 1/8, 4 सही 1/8, आपको हल करना आता होगा, 4 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 32 + 1 33, ये 33/8 है, भाग करना आपको आता है, भाग हम नहीं बताने जा रहे हैं इसका, 4.125 आता है ना, 33 को 8 से भाग करेंगे
आठ चौक 32 आएगा, एक आएगा पॉइंट आएगा जीरो, आठ कम आठ आएगा, दो आएगा जीरो, आठ दूनी 16 आएगा, चार आएगा जीरो, आठ पाँच 40 आएगा और यहाँ शेषफल जीरो हो जाएगा। अब ये क्या है? आप कहेंगे ये शांत हो गया, तो ये शांत दशमलव है, ये टर्मिनेट हो गया, तो इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और हिंदी में कहेंगे शांत दशमलव। ये शांत हो गया, वो वाला शांत नहीं है जबकि, लेकिन कहा जाता है शांत दशमलव। अगला पार्ट देखिएगा, अगला पार्ट है 3/13, 3/13। अब मैं इसको भाग नहीं करूंगा, भाग अपने आप करेंगे आप। इसमें 0 पॉइंट जरा देख लो भाई, 13 से भाग कर रहे हैं 3 को, नहीं जाएगा, पॉइंट जीरो हो गया। ठीक है, 13 दूनी 26 कितना आया, 4, यहां जीरो खिला दिया, 13 तिया 39, 13 तिया 39, यहां एक आया, एक जीरो खिला दिया, जीरो खिलाने के बाद भी ये नंबर इससे छोटा है, तो एक जीरो यहां खिलाएंगे, एक जीरो यहां खिलाएंगे, फिर 13 सते 91, 7 बार जाएगा 91, यहां बचेगा 9, फिर जीरो, फिर 13 का 6 बार जाएंगे तो 78, 78 कितना आएगा, 10 में 10 में 8 गया 2, यहां पर बचेगा 8, 12, यहां पर जीरो आ जाएगा, इसके बाद 9 बार जाएगा 117, 3, सुनिए ध्यान से, 3 फिर आ गया, जीरो खिलाओगे फिर 30 हो जाएगा। ये नंबर बार बार रिपीट करेगा नहीं करेगा भाई, 30 आ गया ना, तो 13 दूनी फिर 26, फिर 13 तेज 39, फिर यही नंबर आएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, 0.0 तो ही है, 2, 3, 0, 7, 6, 9, ये नंबर फिर रिपीट होगा, तो जब नंबर रिपीट होता है तो उसके ऊपर एक डंडा ऐसे बार लगा देते हैं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप आगे रिपीट होगा, फिर आएगा, फिर आएगा, बार बार आएगा ये नंबर। तो ये कैसा है, एक तो अनवसानी है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी हिंदी में अनवसानी है, दूसरी बात ये रिपीट हो रहा है बार बार तो आवर्ती है, तो अनवसानी आवर्ती दशमलव, दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, डिवाइड करना आपको आता होगा, भाग भाग आपने एट्स वगैरह में सीखा होगा, इसलिए ज़्यादा फिर भी हम एक आदमी डिवाइड कर देते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट है 2/11, अब मैं इसको भाग नहीं कर रहा हूँ, यह आएगा 0.18, 18, 18 बार बार रिपीट होगा भाई, 2 से 2 को भाग करोगे 11 से, जीरो आएगा, जीरो आएगा दशमलव, 11 दूनी 11 एक कम 11, 9 90, 11 से 88 2, देखो फिर 2 आ गया, फिर ये 20 हो जाएगा, फिर 1 8 आएगा, तो ये बार बार रिपीट करेगा, तो ये 18 बार हो गया। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अभी हमने कहा अनवसानी आवर्ती, ये भी हो गया, अगर के लिख नहीं रहा हूं, ये अनवसानी है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए ये आवर्ती हो गया। एक है 0329, इसका सिक्स पार्ट देखिए, 329/400, मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 0.8225, 0.8225 खत्म हो गया, आगे अब नहीं जाएगा, ये इसका शेषफल जीरो हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया। तो कैसा है ये है शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव, नाम तो याद हो गए होंगे कि कब टर्मिनेटिंग होगा कब ऐसा होता। लास्ट वाला पार्ट अपने आप करिए, नहीं लास्ट हो गया है। अब जरा सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, जरा सावधान देखिए,
सेकेंड क्वेश्चन कह क्या रहा है, कहते हैं वन अपॉन सेवन जो है एक बटे सात, वन अपॉन सेवन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, वन अपॉन सेवन है 0.142857 रिपीट, ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसके आगे भी नंबर बार बार जाएगा इसलिए इसमें बार लगा दिया गया है। कहते हैं कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, यानी आप इसको प्रसार नहीं करेंगे, आप बताइए 2/7 की वैल्यू कैसे निकालोगे। लेकिन शर्त एक है, ये कह रहे 2/7 की वैल्यू तो निकालो लेकिन आप भाग मत करो, इसका इस्तेमाल करो। देखो जरा ध्यान से, इसको 2 × 1/7 लिख सकते हो, बात तो वही है, तो इसको क्या करेंगे 2 × और इसको 0.142857 और आगे नंबर रिपीट हो जाएंगे फिर यही दोबारा, तो हमने यही नंबर क्यों लिख दिए। अब 2 × 2 = 14, 2 × 5 = 10, 11, 2 × 16 = 17, 2 × 2 = 5, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 0.0, तो 0.285714 और इसके बाद आगे जो भी नंबर आएंगे हो गया। अब कह रहे हैं भाई 3/7 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 × 1/7 कर दो, यानी 3 × 0.142857 --, इसका 3 से गुणा कर दो, ठीक है, सिर्फ 4/7 में 4 से गुणा कर दो, 5 से कर दो, इस प्रकार से इसको आप करेंगे, ठीक है। अब जरा थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गुणा करना आपको आता है, एक हमने बता दिया है आपको कैसे करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल अनावसानी आवर्ती दशमलव दिया है, इसको पी अपान क्यू के रूप में लिखिए। जरा सावधान, जैसे बहुत ये तरीका अजीब है, वो ध्यान से समझिएगा। पहला पार्ट कह रहे हैं 0.6 बार, ये क्या लिखा है, किस नंबर को भाग करने पर ये नंबर आया, ये मुझे ये तो मालूम है, अगर 2/3 को भाग करेंगे 3 को 2 ऐसे, तो 0.0 आएगा, 3×18 = 2, 0×18 = 2, 0×18 6 बार बार रिपीट होगा। लेकिन इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसका तरीका क्या होता है, इसको x मान लीजिए 0.6666 ऐसे, ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, समझ में आ गया, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, आप कहेंगे एक नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 10, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, सुनिए, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10, एक में 10, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100, एक में 20, तीन नंबर होंगे तो 1000, इस प्रकार से याद करिएगा, जब 10 से गुणा करोगे तो यह हो जाएगा 10x। इसके बाद ये जो दशमलव होगा ना, एक डेसिमल इधर खिसक जाएगा, तो आएगा 6.6666, कितने भी 6 लिख दो, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों को घटा दो, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, अब देखिए कैसे माइनस करेंगे इसको, हम बड़ा वाला ऊपर लिखेंगे, तो बड़ा वाला क्या है 10x, क्या है 6.666 एंड सो ऑन, और नीचे लिखेंगे x, क्या है 0.666 एंड सो ऑन। अब जो घटा रहे हैं ये तो 9x आएगा, 10x में से एक x माइनस होगा, यहां देखिए ये सब 6 के नीचे से जब 0 हो जाएंगे तो यहां कुल 6 बचेगा, x का मान आएगा 6/9, तो 3 से कटेगा, 3×6 = 3×9, x का मान क्या आएगा 2/3। इस प्रकार से एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल अनावसानी आवर्ती दशमलव को इस प्रकार से पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जरा समझिएगा सेकेंड पार्ट इसका, बहुत ध्यान से समझिएगा, टफ नहीं है, लेकिन इसका एक मेथड है, उसी मेथड को लेकर के आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। एक सेकेंड,
देखिए सेकेंड पार्ट कह रहा है 0.47 बार, सेकेंड पार्ट थोड़ा टेक्निकल है, x बराबर 0.47 बार, एक पे बार लगा है यानी ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे 0.47777 एंड सो ऑन। अब यहां लफड़ा है, लफड़ा ये है कि केवल एक दशमलव ये खिसकाना पड़ेगा, तो इसके दो तरीके होते हैं, पहले तो इस चार को इधर ले आओ, 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 0.7, यहां खिसक जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन, कर दिया आपने। चाहो तो इसको माइनस कर दो तब भी काम चल जाएगा, चल जाएगा तब भी आ जाएगा आपका, लेकिन एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, इसको आप 10 से और गुणा कर दो। अच्छा एक मिनट माइनस करके देखो, अगर ये 10x को लिखे 4.777 और x को लिखे आपका 0.4777, ऐसे कर दे आप, घटा दीजिए समीकरण एक और दो को घटाने पर, एक और मल्टीप्लाइंग बाई 10 बाई 10 को घटाने पर, को घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्वेश्चन 1 एंड 2, तो देखिए 1 क्या है, पहले 2 को लिखिए, 10x बराबर 4.777 और x बराबर क्या है 0.477 एंड सो ऑन। देखो ध्यान से, ये थोड़ा दूसरी तरीके से हमने लगाया है, दशमलव में पहला अंक छोड़कर सब जीरो हो जाएंगे, तो ये 3 बचेगा, 0.4 बचेगा, यहां 9x बचेगा, तो x का मान क्या आएगा 4.3/9, x का मान आएगा 43/90, यही आएगा, एक नंबर रिपीट हो रहा है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है, एक एक पार्ट को करिएगा, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है हमारी, तो मैं इसीलिए चिल्ला चिल्ला के बोल भी रहा हूं कि मैं क्या लिख रहा हूं, इसके हिसाब से इसको काम करिएगा। देखिए थर्ड पार्ट कहता है x बराबर 0.001 तीनों पे बार है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.001 बहुत है बार 001 इक्वेशन नंबर 1, कितने रिपीट हो रहे हैं 3 नंबर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं लिख नहीं रहा हूं, तो 3 डिजिट बदलेगा, तो 1.001001 एंड सो ऑन, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर दो, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, वो घटाने पर तो क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001001 बहुत है 1, x बराबर 0.001001 आगे भी ये आ जाएगा 999x। देखो यहां 1 बचेगा और सब जीरो हो जाएंगे, तो यहां 1 आएगा, x का मान क्या आएगा 1/999, समझ में आ गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4th देखिए, थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से समझिएगा, वो कह क्या रहा है हिंदी में उसको पढ़ लीजिए ध्यान से, इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए कह रहा है कि 0.9999, बहुत सारे 9 बड़े हैं, उसको P/Q के फॉर्म में लिखिए। देखो ध्यान से, x बराबर 0.9999 इस प्रकार से नंबर है, ये 4th क्वेश्चन नंबर है। अब फिर कह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस विद योर टीचर इन द क्लास नोट्स। जरा समझिएगा, मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं, 9 रिपीट हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x बराबर 9.9999 एंड सो ऑन, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
समीकरण एक और दो को घटाने पर, समीकरण एक और दो को घटाने पर देखो यहां 10x आएगा, यहां आएगा 9.999 एंड सो ऑन, यहां x आएगा 0.999 एंड सो ऑन, दोनों घटा दो, ये 9x आएगा, यहां 9 आएगा, x का मान 9/9 आएगा, इसकी वैल्यू 1 आ गई। जरा समझिएगा, 0.9 1 तो नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू तो 1 आ रही है 0.999, इसका मतलब 0.999 इसके बाद 1 के बीच में कोई नंबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो नंबर, देयर इज नो गैप, देयर इज नो गैप बिटवीन 0.99999 एंड 1। हिंदी में क्या लिखेंगे कि 0.999 एक और 0.999 के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है, कोई रिक्त स्थान नहीं है। जरा इसको फिर समझिएगा, स्थान नहीं है, इसको फिर समझिएगा। जैसे मैं कहूं एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, आप कहेंगे इसके बीच में 1.1 भी है, आप कहेंगे इसके बीच में 1.2 भी है, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। मैंने कहा 0.999 इससे जस्ट बड़ी वैल्यू 1 है, तो बीच में और कोई नंबर होना चाहिए, लेकिन 0.999 की वैल्यू ही 1 आ रही है, तो उन्होंने कहा उसके बीच में कोई नंबर नहीं आता है। तो ये चार क्वेश्चन लगाइएगा, आगे के जो चार पांच क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।